मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हमने संस्कार और संस्कृति के ऊपर बात करी थी, जिसके तहत हमने जाना कि शमशान घाट में पुजारी वर्ग जो है वो किस किस तरह के संस्कार करवाता है और उसके साथ क्या क्या मिथ वो जोड़ देता है। जलने के बाद जो हड्डियां बचती हैं, खास तौर से नाभि की जो हड्डी बचती है, उसका जिक्र किया गया था कि कैसे एक क्ले बॉल में सोने के सिक्के के साथ लपेट कर उसको गंगा में विसर्जित करने की बात पुरोहित करते हैं। और वो विसर्जन भी कहाँ होता है, वो जो प्राचीन गंगा के अवशेष होते हैं उसी के अंदर करवा दिया जाता है, जिससे वो क्ले बॉल बची रहे। मैं तो उसे पुजारी वर्ग की अतिरिक्त आय से जोड़कर देखती हूँ, आपकी क्या राय है ये आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद हमने चर्चा करी थी कि लोगों में किस कदर अंधविश्वास है कि लोग जो है गंदे पानी को भी पी लेते हैं और काली की जो मूर्ति है उसके पैर धोकर जो बचा हुआ पानी है और जिससे पुजारी जी भी अपने पैर धोते हैं और उसे एक नाली में बहा दिया जाता है और लोग उस नाली के गंदे पानी को कटोरे में भरकर पी लेते हैं और ये मानते हैं कि इससे पेचिस और आंतों का बुखार ठीक हो जाएगा। तो अब वहां पर मेरा सवाल था कि ऐसे कौन से पुजारी हैं जो अपने आप को इतने ज्ञानी समझते हैं और लोगों का अंधविश्वास और अज्ञान दूर करने की जरा भी ललक इनमें नहीं है। वो लोगों को नहीं समझाते कि भैया इसको मत पियो, ये गंदा पानी है, ये आपको और ज्यादा बीमार कर सकता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ। उसके बाद हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से एक अंग्रेज जो है कैथरीन को बताते हैं कि काली की पूजा जो है वो सिर्फ नीच, अज्ञानी और अनपढ़ भारतीय ही करते हैं। उसके बाद जब कैथरीन इस चर्चा को आगे बढ़ाती हैं अपने ब्राह्मण जानकारों के साथ, तब वे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, काली को सभी लोग पूछते हैं, प्रतिशत अनपढ़ अज्ञानी शूद्रों या अछूतों का ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें सभी पढ़े लिखे वर्गों को भी वे शामिल करते हैं। और हमने इसका सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया है जिसके तहत कैथरीन जो है वो भारत आने का अपना जो भी मकसद है उसको डिस्कस कर रही है। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ, जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। मैंने कई बार पूरे देश की यात्रा की और काफी कुछ देखा। हर जगह मैंने भारतीय और ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों से बातें की, उनके साथ शहर या देहातों में जाकर उनके काम करने के तरीकों को देखा। मैं बहुत से अस्पतालों में गई जहां मैंने डॉक्टरों से बातचीत की और बीमारों को देखा। मैंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से मद्रास तक की लंबी यात्रा भी की है। कभी मैं जिले के कमिश्नर के साथ दौरे पर गई हूँ तो कभी किसानों के साथ ग्राम पंचायतों में जाकर बैठी हूँ। कभी भारतीय नगर पालिका परिषद की बैठकों में शामिल हुई हूँ तो कभी अदालतों में जाकर मैंने जीवन के नजारों को देखा है। मैं अंग्रेजी नर्सों के साथ बाजार में घूमी हूँ, उनके प्रांगणों, अंतरंग चैम्बरों और छतों पर गई हूँ और जहां भी जरूरत हुई है मैं वहां गई हूँ। मैंने रईसों के घरों को भी देखा है जहां जच्चा महिला, फुटनोट टू, जच्चा महिला हाल ही में बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री सद्य प्रसूता को किस तरह रखा जाता है, बच्चों और बीमारों की देखभाल किस तरह की जाती है, किस लापरवाही से खाने पीने की चीजों को रखा जाता है और साफ सफाई का कितना ख्याल रखा जाता है, यह सब मैंने देखा है। मैंने रोजमर्रा के जीवन में, यात्रा में और घरों में विभिन्न जातियों और वर्गों की आदतों और रस्मों को भी देखा है। तो कितना बारीकी से इन्होंने भारत का अध्ययन किया है। इतना मौका तो हम भारतीयों को भी नहीं मिलता अपने देश को जानने समझने का। मैंने कृषि केंद्रों और पशु फार्मों में पशुओं और फसलों के रखरखाव को भी देखा है। मैंने धार्मिक भावना से बनाई गई पशुशालाओं और पशुओं की दुर्दशा को भी देखा है। ये तो आप इसको आज के कंटेम्परेरी वर्ल्ड से भी जोड़कर देख सकते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर आजकल तो पिक्चर्स भी आती हैं कि गौशाला या गौ माता के नाम पर जितना चंदा वसूला जाता है और जो ये शेड में इन्हें किस तरह रखा जाता है गौ रक्षा के नाम पर। मैंने स्कूलों में जाकर शिक्षकों और छात्रों से उनके लक्ष्यों और अनुभवों पर चर्चा की है। भारत के केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में उठाए जा रहे मुद्दों और उन पर होने वाली बहसों को सुनकर चुने हुए जनप्रतिनिधियों की मानसिकता को जानने का अवसर मिला है। मैंने अनेक भारतीय राजाओं, नेताओं, शासकों और धर्मगुरुओं से भारत के लोगों की मानसिकता और भौतिक स्थिति के बारे में बातें की हैं और उनके दिलचस्प जवाबों का लाभ मुझे अपने भ्रमण के दौरान देश के लोगों के हालात को समझने में मिला है। और अंत में इस विशिष्ट भारतीय स्पष्टवादिता ने मुझे अंततः यह सोचने के लिए विवश किया है कि अंतोत्तत्वा
उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में कदाचित कुछ ऐसे समान तथ्य हैं जिनके आधार पर आप भारत के बारे में एक आम धारणा बना सकते हैं। और ये तथ्य क्या है? खराब स्वास्थ्य सेवाएं, अशिक्षा, अंधविश्वास, धार्मिक जड़ता, अछूतों के साथ अमानवीय व्यवहार और आदिवासियों का शोषण, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हर भारतीय की राय जो है वो एक सी ही आपको मिलेगी, चाहे आप किसी कोने में चले जाएं भारत के। इससे भी अधिक मैंने ये देखा कि भारत के बारे में हम केवल उन्हीं विषयों पर आम धारणा बना सकते हैं जिनमें हम पश्चिम के व्यस्त लोग अपना भला बुरा देखते हैं। 23 नंबर की गली का जॉन स्मिथ दूसरी गली के पीटर जॉन की वंश परंपरा, उसके धर्म, उसके दर्शन, विचार और कला की हो सकता है कोई परवाह न करे, किंतु यदि पीटर अपने जीने की आदतों और सोचने के तरीकों को इस तरह बदल देता है कि उससे न केवल उसके और उसके परिवार के लिए बल्कि वहां रहने वाले अन्य लोगों के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है, तो हर व्यक्ति उस जॉन के बारे में जरूर पूछताछ करेगा। तो अब यहां पर वे एक सबसे अहम बात कह रहे हैं, और पिछले एपिसोड में मैंने इसी एग्जाम्पल को बोला था कि आगे भी कैथरीन जो है इसको कोट करेंगी, तब मैं दोबारा इस एग्जाम्पल पर लौटूंगी। और पिछली बार हमने ये चर्चा करी थी कि कोई आपसे चार घर दूर साफ सफाई से रहता है, नहीं रहता है, रोज नहाता है या नहीं नहाता है, ये आपके जाति जीवन को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। लेकिन यदि वो धार्मिक कट्टरता दिखाता है और दूसरे धर्म के प्रति असहिष्णुता बरतता है तो ये घातक हो सकता है। या यदि वे अपने घर की गंदगी को बाहर साफ सड़क पर फेंक देता है कचरे के तौर पर, तो भी ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। और हर कोई इस तरह के व्यक्ति के बारे में जानना तो जरूर चाहेगा। बस वही चीज कैथरीन को भारत ले आई है। आधुनिक भारतीय विचारक पूछते हैं, ब्रिटिश शासन इतने लंबे वर्षों के बाद भी क्यों हम अपनी अज्ञानता, अपनी गरीबी और अपनी विकराल मृत्यु दर के लिए जाने जाते हैं? किस अधिकार से हमें ज्ञान, रोटी और जीवन के सुख से वंचित किया जाता है? तो ये बात तो आज के लोग भी अपनी सरकार से पूछने का हक रखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है आजादी से पहले और 70 साल की आजादी के बाद में भाजपा के शासन में। हमें इस तरह के सवाल पूछना राष्ट्रवादिता समझी जाती थी, और आज के माहौल में इस तरह के सवाल पूछना देशद्रोह समझा जाता है। तो कितना फर्क आ गया है, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूं। सर चिमन लाल सीतलवाड़ ने अफसोस जताया, ये देश जिस रोग से पीड़ित है वह है उद्यम करने के लिए अग्रसर न होने की प्रवृत्ति, उत्साह और कठिन परिश्रम की कमी। फुटनोट 3, लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट 1925 खंड 6 संख्या 6 पृष्ठ 396। लेकिन मिस्टर गांधी कहते हैं, ब्रिटिश शासकों पर हमारा आरोप बिल्कुल सही है क्योंकि हमारी असहाय स्थिति, हमारे आगे न बढ़ने और हमारी मौलिकता की कमी के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। फुटनोट 4, यंग इंडिया 25 मार्च 1926 पृष्ठ 112। ये मिस्टर गांधी का साप्ताहिक पत्र है, इसमें से आगे भी काफी कुछ उद्धृत किया जाएगा। तो जिस तरीके से बात गांधी कर रहे हैं, अपनी हर हालत के लिए ब्रिटिश शासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उस तरीके से तो शूद्र, अति शूद्र और अछूत भी अपनी हालत के लिए यदि सवर्णों, ब्राह्मणों को दोष देते हैं तो वो क्या गलत करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। राजनेता पूछते हैं, हमारा उत्साह इतना निष्फल क्यों? हम अपनी प्रतिज्ञाएं, अपना भ्रातृत्व भाव और आजादी का लक्ष्य इतनी जल्दी क्यों भूल गए? हमारी मानवता इतनी छोटी क्यों हो गई? हम इतनी जल्दी क्यों थक जाते हैं और क्यों वक्त से पहले जवानी में ही मर जाते हैं? और वे खुद ही जवाब भी देते हैं, हमारे धार्मिक मूल्य विदेशी आघातों से जख्मी और लहूलुहान हो गए हैं और हमारी आत्माएं उनके घमंडी व्यवहार से जहरीली हो गई हैं, जिससे हमारा जीवन सूख सा गया है। अब कुछ नहीं किया जा सकता, हम केवल राजनीतिक मंच पर चढ़कर अत्याचारी शासक को समाप्त करके ही इस लड़ाई को जीत सकते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद ही हम यहाँ आजादी से सांस ले सकते हैं और अपनी प्यारी भारत माता की सेवा कर सकते हैं। तो गहरा कटाक्ष किया है कैथरीन मेयो ने, और साथ ही अंग्रेजों के जाने की बात जो बार बार ये राजनेता करते थे, यही बात उन्होंने कभी भी मुगल शासनकाल के दौरान नहीं की, बल्कि उल्टा बड़े प्रेम के साथ जो है तुलसीकृत रामचरित मानस की रचना करी और रामायण का
अरबी फारसी में दरबारों में बैठकर ब्राह्मणों ने जो है वो ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद किया। तब इन्हें कोई परेशानी नहीं हुई थी क्योंकि मुगलों ने कभी भी अछूतों की शिक्षा की बात भी नहीं करी थी जो अंग्रेज कर रहे थे। ये अंग्रेजों का सबसे बड़ा अपराध था कि उन्होंने अछूतों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए थे। आपकी राय चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। अब मैं पीड़ित लोगों के साथ हार्दिक सहानुभूति रखते हुए इस विषय पर जो मुख्य बात कहने का साहस करना चाहती हूं वह यह है, भारत का अंग्रेजी शासन चाहे अच्छा हो या बुरा या निष्क्रिय हो, पर ऊपर वर्णित हालात से उसका कुछ भी संबंध नहीं है, इसलिए वह इसमें से कुछ भी नहीं कह सकता। अकर्मण्यता, जड़ता, आगे बढ़ने में असहाय स्थिति और मौलिकता की कमी, धैर्य, दृढ़ता, उत्साह और जीवन स्फूर्ति की कमी, ये सब एक भारतीय की ऐसी कमियां हैं जो उनमें आज पैदा नहीं हुई हैं। ध्यान दीजिए, ये आज नहीं हुई है कमियां, बल्कि इन कमियों का एक लंबा इतिहास है। क्यों बार बार देश जो है विदेशी आक्रांताओं का गुलाम रहा है, इसका जवाब मिस कैथरीन भी दे रही हैं, वो भी पूछ रही हैं। ये कमियां उनमें तब तक बनी रहेंगी जब तक कि वो उसको समझकर अपने दोनों हाथों से उखाड़ कर नहीं फेंक देगा। उसकी आत्मा और देह सचमुच गुलामी में बंध चुकी हैं, किंतु वह अपनी गुलामी को खुद ही गले से चिपटाकर रखता है और उसकी रक्षा के लिए हिंसा पर उतर आता है। गलत रूढ़ियों को अभी भी चिपका रखा है हमने, हम उसमें कोई बदलाव लाना नहीं चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में भी कुछ कमेंट्स तो बिल्कुल इसी हिसाब से किए जाते हैं, इसलिए उसे उनकी गुलामी से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि उसकी स्वयं की नई चेतना ही मुक्ति दिला सकती है। अतीत, वर्तमान या भविष्य की अपनी गुलामी के लिए बाहरी तत्वों पर आरोप लगाकर वह अपने आप को ही धोखा देता है और इस तरह वह अपनी मुक्ति की अवधि को और आगे बढ़ा लेता है। एक 12 साल की बाल कन्या को लीजिए जो अपने हार्ड मास में अत्यंत दयनीय है और जो अनपढ़ और अज्ञानी है। उसे स्वस्थ रहने के बारे में कुछ नहीं सिखाया गया है, उसे समय से पहले ही माँ बना दिया जाता है और फिर उसके कमजोर बच्चे को शुरू से ही दूषित वातावरण में रखिए तो यही होगा कि उसकी जीवन शक्ति दिन प्रतिदिन सूखती चली जाएगी। उसे खेलने का मौका नहीं दीजिए और उसमें ऐसी आदतें डाल दीजिए कि वह 30 वर्ष की आयु में भी चिड़चिड़ा, कमजोर और बूढ़ा हो जाए। तब भी क्या आप उससे यही पूछेंगे कि उसका पुरुषत्व कमजोर क्यों है? तो पुरुषत्व का मतलब यहां से उसकी हिम्मत, उसके आत्मबल से है, अन्यथा न ले इसे। और ये बात जो है शूद्र, अतिशूद्र, अछूतों या शोषित वंचित तबकों के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है आज भी। इसकी विशाल जनसंख्या को ही लीजिए, मुख्य रूप से ग्रामीण जनसंख्या को जो अनपढ़ है और अपनी जहालत को ही पसंद करती है। आप इस आबादी को प्राथमिक शिक्षा देने की कोशिश कीजिए और उसकी एक भी स्त्री को शिक्षित मत बनाइए, क्योंकि अगर आपने स्त्री को शिक्षक की नौकरी दी तो उसे पर्दे से बाहर आना होगा और तब वह बर्बाद हो जाएगी। रूढ़िवादी मानसिकता, और यही वजह थी जो डॉक्टर अंबेडकर किसी भी समाज या देश की प्रगति जो है वो उसकी शिक्षित महिलाओं से करने की बात करते हैं। क्या तब भी आप ये पूछेंगे कि जनता में शिक्षा की रफ्तार धीमी क्यों है? इसके ऊपर अंबेडकर नामा पर रतन जी ने पूरा फुल फ्लेज वीडियो बनाया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के ऊपर क्या कहा था, उसे भी आप जाकर सुन सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगर लोगों के शरीर और मस्तिष्क इसी तरह से विकसित किए जाएंगे तो आप ये कैसे पूछ सकते हैं कि उनकी मृत्यु दर क्यों अधिक है और वे गरीब क्यों है? भारत पर चाहे अंग्रेजों का राज हो या रूसियों का, उन पर जापानी राज करें या देश के राजे महाराजे ही देश को बांट लें और पुरानी राजशाही को ही जीवित रखें, या कोई स्वराज शक्ति ज्यादा स्वायत्त होकर वर्तमान सरकार की जगह ले ले, ये सबसे अच्छी बात कही है कैथरीन ने उस टाइम भी, और आज की सरकार यही कर रही है। लेकिन जो वास्तविक शक्ति भारत को तेजी से स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है वह भारत के लोगों की ही शक्ति है, 2024 में से याद रखिएगा। पर इसके लिए जरूरी है कि भारत के लोग बातों में, बहस में, दूसरों पर दोष लगाने में समय नष्ट ना करें, बल्कि पूरे उत्साह और दृढ़ संकल्पों के साथ अपने शरीर, अपनी आत्मा और अपने दिमागों में परिवर्तन लाने का काम शुरू कर दें, अंधभक्ति छोड़ दें। मुझे विश्वास है कि ये विषय सामान्य किताबों में नहीं दिया गया है। एक भारतीय इन सबको मिलाकर नहीं देखता है, वह उसके अलग अलग रूप को जानता है, परंतु
वह उसको एक जगह एकत्रित करने और उनसे आवश्यक नतीजा निकालने से होने वाली परेशानी से बचना चाहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, जो कोई करना नहीं चाहता। भारत आने वाले यात्री इसे नहीं देख पाते हैं क्योंकि उन्हें भारत की बाहरी सुंदरता के सिवाय उसके भीतर के वास्तविक जीवन को देखने का अवसर ही नहीं मिलता। ब्रिटिश अधिकारी विशेष रूप से ऐसे विषयों से खुद को बचाते हैं और दूसरों को भी उसमें नहीं पढ़ने देते। 1919 के सुधारों के समय से ही वे अपने रोजाना के कामों में हुक्म देने के बजाय लोगों को समझा बुझाकर ही काम लेने में विश्वास करते हैं। इसलिए सफलता की आशा भी उन्हें विनम्रता से ही लोगों को समझाने से मिलती है। तो अक्सर हमने पुरानी जो फिल्में हैं उसमें देखा होगा कि यदि कोई स्वास्थ्य अधिकारी किसी गांव में जाकर इंजेक्शन लगाने की बात भी करता है तो लोग डर जाते हैं कि अरे बाप रे बाप रे बाप रे, हमको इंजेक्शन लगा के मार ही डालेगा। तो ये सारी थिंकिंग उनके अंदर भरी किसने? कौन पूरे गांव को कंट्रोल करता था? कौन इस अज्ञानता को बढ़ाता था? इन सब के ऊपर भी तो सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए कि नहीं? विदेशी संस्थाएं भी जो भारतीयों के नैतिक कल्याण के लिए काम कर रही हैं, अक्सर इसी नीति पर काम करती प्रतीत होती हैं। वे भारत के लोगों को अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए कहने की बजाय उन्हें अपने गुणों पर गर्व करने तथा दूसरों की कमजोरियां दिखाने का काम करती हैं। इस तरह अब वे या तो मौन रहते हैं या चापलूसी करते हैं। इससे आदमी की बीमारी बढ़ती ही जा रही है या उसका शरीर और दिमाग दोनों मरते जा रहे हैं। इस बीमारी को वह खुद ही ठीक कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। उसका मित्र ही उसे आईना दिखा सकता है कि उसे कौन सी बीमारी बीमार चीज मार रही है। और समाज को जागृत करने का काम बुद्धिजीवी करते हैं, उसके लिए उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करना पड़ता है। लेकिन समाज उसे कितना समझता है, ये समाज में बदलाव चाहने वालों पर भी डिपेंड करता है। यदि अंधभक्ति ही बने रहेंगे तो बदलाव कैसे संभव है? बुद्धिजीवियों को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन उनके जितना काम करके दिखाना बहुत मुश्किल है। मुझे खुद इस काम की जिम्मेदारी लेते हुए इस बात का पूरी तरह पता था कि लोग मुझ पर तमाम तरह के इल्जाम लगाएंगे, मसलन गंदगी फैलाने का इल्जाम, अन्याय करने का इल्जाम, भौतिकतावादी होने का इल्जाम, सहानुभूति न रखने का इल्जाम, झूठ बोलने का इल्जाम और संभवतः गंदी बातों का भी इल्जाम। किंतु इन सारी स्थितियों को देखकर इस डर से कि इसके परिणाम क्या होंगे, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती। इसलिए इस किताब के आरंभ में ही मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मानव जाति के आठवें हिस्से के जीवन और भविष्य के संबंध में मेरे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज क्या है। आगामी पृष्ठों में उसका व्यापक चित्रण किया जाएगा तथा भारतीय जीवन के कुछ दूसरे पहलुओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। कोई भी विषय और कोई भी पहलू भारतीय जीवन के आदिम प्रभावों से बच नहीं सका है। तो यहां पर हम जो है इस फर्स्ट चैप्टर को खत्म करते हैं और अगली वीडियो में हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें कैथरीन मेयो जो सवाल कर रही हैं और जिस सामाजिक ढांचे की सच्चाई को बयां कर रही हैं, उसके ऊपर मुझे लगता है मंथन जरूरी है। आप लोग भी मंथन करके अपने विचार कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। मेरी हर संभव कोशिश रहती है कि मैं आपके पूछे गए सवालों के जवाब दे सकूं वीडियो के दौरान। इसलिए वीडियो को अंत तक सुनते रहिए और यदि उचित समझें और ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगें तो दूसरों को भी सुनाइए, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी इसको स्प्रेड कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।